आमिर खान स्टारर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल की मच एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है और इसे लेकर दर्शकों में एंटिसिपेशन को बनाए रखने के लिए इस फिल्म के मेकर्स एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि इस फिल्म के ट्रेलर को लेट यशराज चोपड़ा के बर्थ एनिवर्सरी यानी इस साल 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा, वहीं अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के मेकर्स ने इसके ट्रेलर रिलीज से पहले बस क्रिएट करने के लिए इस फिल्म से 6 मोशन पोस्टर्स को रिवील करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, इन मोशन पोस्टर्स में इस फिल्म के महत्वपूर्ण किरदारों से दर्शकों को रूबरू करवाया जाएगा। साथ में ये भी बता दे, इन पोस्टर्स को हर 2 दिन के गैप में रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं इस फिल्म की। डायरेक्टर विजय कृष्णाचार्य के निर्देशन में बनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के अलावा अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और सना फातिमा शेख मुख्य किरदार निभाते दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए क्या आप भी बेहद दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। 2.0 के छोटे से टीजर ने मचाया कोहराम, जिसके चलते अब बाहुबली के लिए बढ़ गया है खतरा। वेल, रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0 के टीजर को फाइनली रिलीज किया गया है और इसके दस्तक देते ही पिछले साल की मच लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फिल्म बाहुबली छोटी लगने लगी है। दरअसल 2.0 हर तरफ से बाहुबली को टक्कर दे रही है, चाहे वो फैंस की एक्साइटमेंट हो या फिर बजट, हर दिशा में 2.0 बाहुबली से आगे है। जी हाँ, जहाँ बाहुबली को 6500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, वहीं 2.0 को लगभग 7000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बाहुबली और बाहुबली 2 को जहां 4 अलग-अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया, वहीं 2.0 को 15 अलग-अलग भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। बताते चले, इसके अलावा बजट के हिसाब से भी 2.0 बाहुबली से आगे है। जी हाँ, वेल, जहां बाहुबली के दोनों इंस्टॉलमेंट्स को मिलाकर इसकी बजट 400 करोड़ थी, वहीं 2.0 के अकेले का बजट ही 540 करोड़ है।